हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पोहा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए हमें 2 कप पोहा चाहिए, जिसे आप नॉर्मल वाटर में वॉश करके अच्छे से रख लीजिए और थोड़ी देर के लिए इसे ड्राई होने दीजिए। आइए वेजिटेबल्स देखते हैं। इसके लिए हमें 1 प्याज चाहिए बारीक कटा हुआ, 5 से 6 बीन्स चाहिए बारीक कटे हुए, 1 हरी मिर्ची हमें चाहिए बारीक कटी हुई, 1 गाजर हमें चाहिए बारीक कटा हुआ, 2 टमाटर मीडियम साइज़ के हमें चाहिए बारीक कटे हुए और कड़ी पत्ता। बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच सरसों, 1.5 टीस्पून हमें नमक चाहिए, 1/2 चम्मच हमें हल्दी पाउडर चाहिए, 1 चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर चाहिए। इसे बनाने के लिए हम फॉर्च्यून ऑयल का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें 2 चम्मच फॉर्च्यून ऑयल चाहिए। इसमें आप सरसों के दाने ऐड कीजिए, जब वो स्प्रिंकल हो जाए अच्छे से तब आप इसमें कड़ी पत्ता ऐड कीजिए। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर आप पकाइए। पकाने के बाद इसमें प्याज और बीन्स, दोनों वेजिटेबल्स को आप ऐड कीजिए। अब इसे शैलो फ्राई कीजिए करीबन 10 मिनट तक। जब प्याज और बीन्स थोड़ा ब्राउन हो जाए, इसमें आप हरी मिर्ची और गाजर ऐड कीजिए। इन दोनों को ऐड करने के बाद इन्हें फिर दोबारा अच्छे से आप पकाइए। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर हमें चाहिए, 1.5 टीस्पून नमक हमें ऐड करना है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करना है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करते हैं। वेजिटेबल्स जब आपकी थोड़ी सी नरम आपको लगें और वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दें, अब हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। टमाटर को ऐड करने के बाद आप इसे तब तक पकाइए जब तक आपका टमाटर मेल्ट ना हो जाए। अब हम इसमें पोहा ऐड करेंगे। पोहा ऐड करने से पहले आप उसके जितने भी लम्स हैं, जो गुठलियाँ उसमें बनी होती हैं, वो आप उसको फोड़ लीजिए। अब इसमें जब आप पोहा ऐड करेंगे तो आपको ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खिले खिले रहेंगे। पोहा ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, जो कि मसाला पोहे में अच्छे से लग जाए। इसे करीबन 10 मिनट तक आप चलाइए, जब तक आपका पोहा वाइट से रेड ना हो जाए। देखिए, आपका पोहा एकदम रेड हो चुका है, उसमें मसाले वगैरह सब ऐड हो चुके हैं। आइए इसे सर्व करते हैं। आपका यम्मी पोहा रेडी हो चुका है, हेल्दी एंड टेस्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।